करें और चेस्ट को घुटने की तरफ लाते हुए हेड ड्रॉप कर दें ऐसे। घुमा दिया हमने राइट कंधे की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे देख रहे हैं। हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस। कई सारे लोग कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही बड़ा ही डरते हैं, बड़ा ही घबराते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना, हमारे लीवर में ही नेचुरली प्रोड्यूस होता है, नेचुरली उत्पन्न होता है। और इसका कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं उनको सही तरीके से काम करने में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। इसके बहुत से काम हैं, जैसे कि चुनिंदा काम मैं आपको बता दूं, सेल्स का फॉर्मेशन, हार्मोन्स का सिक्रीशन, बाइल जूस का प्रोडक्शन, साथ ही आपकी स्किन की अच्छी सेहत के लिए, आपके ब्रेन के अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए, आपके हार्ट के अच्छे फंक्शन के लिए, आपका पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। और इसके अलावा सूरज से मिलने वाली किरणों से जो हम विटामिन डी एब्जॉर्ब करते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही आपके शरीर में उपस्थित जो फैट है इसके मेटाबॉलिज्म में भी, इसको डाइजेस्ट करने में भी कोलेस्ट्रॉल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों जाता है इस बात को समझते हैं। देखिए, हमारी ज़रूरत का जो 80% कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी शरीर नेचुरली बना लेती है, 20% जो बचा है वो हम अपने खाने से कंज्यूम करते हैं। परेशानी तब आती है जब हमारे बाहर से खाए हुए में इम्बैलेंस होता है, चाहे तो हमारे बैड फूड चॉइसेस की वजह से, चाहे तो हमारी लाइफस्टाइल जो बिगड़ती है उसकी वजह से। कोलेस्ट्रॉल को 3 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, HDL, LDL और VLDL। HDL का मतलब हुआ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL का मतलब हुआ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL का मतलब हुआ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल आपके लिए तब घातक हो सकता है जब आपके शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगे और फिर उसके बाद LDL और VLDL धीरे धीरे जाके आपके आर्टरीज में जाके अटकने लगे, डिपॉजिट होने लगे। इससे क्या होगा कि आपका जो रक्त का संचार है, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसमें अवरुद्ध आएगा, उसमें कुछ कुछ हर्डल्स आएंगे। तो क्या होगा कि ये जो ब्लड है आपके ब्रेन की तरफ या आपके हार्ट की तरफ प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पाएंगे और वो रिजल्ट करेंगे आगे जाके आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे, स्ट्रोक की समस्या या आपको हार्ट अटैक की समस्या, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें ऐसे फूड चॉइसेस अडॉप्ट करने हैं जिसमें कि HDL की मात्रा अधिक से अधिक हो। थोड़ा समझाती हूँ कि HDL में प्रोटीन की मात्रा फैट के कंपैरिजन में अधिक होती है, वही LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, वही वेरी लो डेंसिटी यानी VLDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें फैट की मात्रा और अधिक और प्रोटीन की मात्रा बड़ी कम होती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को कहा जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL या VLDL को कहा जाता है। तो अपने खाने में ऐसे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करेंगे जो हमारे शरीर में HDL की मात्रा को बढ़ाती है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है इन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो ऐसे फूड चॉइसेस कौन कौन से हैं जो HDL को बढ़ाएंगे, जैसे कि आपके चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, अखरोट हो गया, घी हो गया, जो होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सीजनल लोकल फ्रूट्स हो गए, इनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। क्या नहीं करना है, अल्कोहल, सिगरेट, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आपको इन सभी चीज़ों को छोड़ना होगा। पिज्ज़ा, चॉकलेट, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें अगर आप कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो चलता है, लेकिन इनके कंजम्पशन बहुत अधिक ना बढ़ाएं। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चिप्स के पैकेट्स हो गए, या कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पैक्ड होती हैं वो ना खाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी अलग अलग तरीके के योगासन के अभ्यास जिनकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही कुछ प्राणायाम के अभ्यास उनको किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आपको करना बस इतना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल में नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को ये वीडियोस बहुत पसंद आती है और आप बहुत पसंद करते हैं इन सारी वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही अगर आप कमेंट कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी,
अब हम करेंगे उन योगासनों के अभ्यास जिनकी मदद से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको पहला आसन जो बता रही हूँ, इसका नाम है भू नमन आसन। इस आसन का जब आप अभ्यास करते हैं ना, तो इससे बहुत ही गजब की आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, एब्डोमिनल मसल्स पर बहुत अच्छी मसाज मिलने के कारण सारे आंतरिक अंगों के जो फंक्शन है वो बेहतर हो जाएंगे, और आपकी रीढ़ की हड्डी में एक एक वर्टीब्रा पर इसका बहुत ही अच्छा एक मसाजिंग इफेक्ट आप महसूस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सर्वाइकल रीजन टिल योर टेल बोन। कैसे करेंगे इस आसन का अभ्यास, चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी योगा मैट पर स्ट्रेच करके बैठ जाएंगे। स्ट्रेच करने के करके बैठने के बाद आप ऐसे ऐसे बैठ गए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को आपने धीरे 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 उठाया छत की तरफ और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक गए। जब आप पीछे की तरफ झुकेंगे तो आपकी जो नाभि है ना, नेवल रीजन, इस पर ध्यान लेके आइए और हल्का सा अपनी नाभि को अंदर की तरफ पुल कीजिए, पेट पर ध्यान लगा के रखिए, और फिर धीरे से ऐसे दोनों हाथों को आप अपनी योगा मैट पर रखें और जैसे पुशअप करते हैं ना, वैसे अपनी चेस्ट को मैट की तरफ, फ्लोर की तरफ ड्रॉप करें इस तरीके से। ये सांस लिया और सांस छोड़ते हुए झुक जाएं, पुशअप करेंगे, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ऐसे जितना हो सके नीचे जाएं, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए प्रॉपर दोनों हथेलियों को प्रॉपर मैट पर रखें, पेट को अंदर की तरफ खींचें और फिर एल्बो बेंड करते हुए चेस्ट और माथे को मैट की तरफ ऐसे लेके जाएं। सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस ले लें और सांस छोड़ दें। तो इसका अभ्यास 10 बार राइट साइड, 10 बार लेफ्ट साइड कर लें। अगर आप कंफर्टेबल हैं ये प्रैक्टिस करने में तो इसके 3 सेट कर लें, 10 10 10 यानी 30 बार इसका अभ्यास कर लें, जैसे आपको सहूलियत महसूस होती हो। अब हम अगला अभ्यास करेंगे लेट कर, जो कि है लेग रेसेस का अभ्यास या उत्तान पादासन का अभ्यास। तो दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख लें और हथेलियों को आप फ्लोर की तरफ ऐसे टर्न कर दें और दोनों पैरों की एड़ियों को और अंगूठों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें ऐसे, इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, आप धीरे धीरे पैरों को उठाना शुरू करेंगे इस तरीके से। ध्यान अपनी लोअर एब्डोमेन पर रखें, यहाँ पर सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पूरे कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रॉप कर दें ऐसे। सांस लें इनहेल, सांस छोड़ें एक्सहेल, सांस लें पैर उठाएं और सांस छोड़ें पैरों को ड्रॉप कर दें कंट्रोल के साथ, धीरे 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 धीरे, इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री, धीरे धीरे इस तरीके से पूरे पूरा भार आप अपने पेट पर महसूस करें अपने पैरों का, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से दोनों पैरों को ना उठा पाएं तो आप क्या करें, पहले शुरू शुरू में एक पैर ऐसे उठाने का अभ्यास करें ऐसे। जो लोग बिगनर हैं या जिनका पेट बहुत मोटा है, पैर भारी है, इस तरीके से अभ्यास सिंगल सिंगल लेग से करें। तो 10 बार राइट पैर से कर लें, फिर 10 बार इस तरीके से लेफ्ट पैर से करें, इस तरीके से पूरा उठाएं ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो कितनी बार करना है इसका अभ्यास, 3 सेट कर लीजिएगा, 10 10 15 15 20 20 बार रिपीट करने के बाद 3 सेट अभ्यास कर लीजिएगा, तो इससे एब्डोमिनल मसल्स हो गई आपकी मजबूत। भू नमन आसन, उत्तान पादासन का अभ्यास कर लिया, तीसरे आसन का अभ्यास करते हैं। इस आसन को मदर ऑफ ऑल आसन कहते हैं या सारे आसनों की जननी कहते हैं। इसका नाम है सर्वांग आसन या शोल्डर स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। इस आसन के अभ्यास से आपके पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ब्लड फ्लो आपके पैरों से अपर बॉडी की तरफ फ्लो होता है, जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। तो आप क्या करेंगे, अपनी योगा मैट पर आराम से
लेट जाएंगे। और जैसे लेग रेसेस किए थे, उत्तान पादासन का अभ्यास किया था, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और फिर उसके बाद दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाया, कमर से हल्का सा कमर से उठाया अपने पैरों को और अपने हिप्स को बैलेंस करते हुए होल्ड करें यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पर कम से कम 10 या 30 सेकेंड होल्ड करके रखें इस पोस्चर को। फिर उसके बाद धीरे से अपनी कमर को मैट पर ड्रॉप कर दें और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे कमर को उठाने में बड़ी तकलीफ महसूस करते हो, तो जितना कमर उठे आपसे उतना कमर को उठाएं। और इस पोस्चर को कितनी देर तक करना है, 10 सेकेंड रोक सकते हैं, 10 सेकेंड रोके, 3 बार कर लें। 30 सेकेंड रोक सकते हैं, 30 सेकेंड रुके, 3 बार कर लें। 1 मिनट तक रुक सकते हैं, 1 मिनट रुके और 3 बार इसका। 1 मिनट तक रुक सकते हैं, 1 मिनट तक रुके और इसको 3 बार रिपीट कर लें। कंप्लीटली अप टू यू कि आपकी प्रैक्टिस कितने लेवल की है। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे जो कि मदद करेगा हमारे पूरे बैक मसल्स को स्ट्रेच करने में, साथ ही हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करेगा जो कि लिवर को हल्की मसाज देगा और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के सामने अपने दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेच करके बैठ जाना है, फिर उसके बाद दोनों हाथों को छत की तरफ उठाना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाना है, सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास इस तरीके से। अगर आप अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं ऐसे अंगूठे को पकड़ें और धीरे धीरे थाई का दबाव पेट पर महसूस करें और चेस्ट को घुटने की तरफ लाते हुए हेड ड्रॉप कर दें ऐसे। तो अगर हाथ यहाँ तक ना पहुँच पाए कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस पोस्चर को करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि बैक मसल्स लोअर बैक खिंच जाए, पेट पर दबाव आ जाए और घुटनों के नीचे खिंचाव आ जाए। तो अगर आप यहाँ तक करने में वो खिंचाव महसूस करते हैं तो यहाँ हाथ होल्ड करें, यहाँ तक करने में कंफर्टेबल है तो यहाँ तक हाथ लेके जाएं और अगर और आगे तक झुक सकते हैं, क्योंकि योग जो है ना एक जर्नी है और ये जर्नी हमारे खुद के लिए है ना, तो जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे वहाँ तक आप अभ्यास करें और फिर उसके बाद रेस्ट करें। अब हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन या हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। करना ऐसे है कि क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, आप सिंपली अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ही घुटने से मुड़ा रहने दें और फिर उसके बाद राइट पैर के पंजे को लेफ्ट घुटने के पास में लेके आए। इस तरीके से आपकी जो लेफ्ट पैर की एड़ी है ये राइट हिप के एग्जैक्टली पास में हो जाए ऐसे, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी बैठने की पोजीशन, इसको ज़रा इस तरफ से देखिए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए मेरा राइट पैर मुड़ा हुआ है ना, तो राइट हाथ को ही बॉडी के मैंने पीछे रख दिया, बहुत एग्जैक्टली पीछे, बहुत ऐसे ऐसे भी मत रखिएगा, ये बहुत पास करके भी मत रखिएगा, इतने में कि आप बैलेंस कर पाए अच्छी तरीके से। अब अपने लेफ्ट हाथ को मैंने खींचा छत की तरफ। अब छत की तरफ खींचने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ खींचे और पेट पर दबाव आए, पूरी स्पाइनल कॉर्ड ट्विस्ट हो जाए। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हमने अपने दाहिने पैर, राइट पैर की जो एंकल है इसको पकड़ा इस तरीके से और फिर चेहरे को घुमा दिया हमने राइट कंधे की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे देख रहे हैं। हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस, ब्रीद करते रहे और इस पोस्चर को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ऐसे रोक सकते हैं रोकें और ब्रीद करते रहे ऐसे। अब बहुत से लोगों के लिए ना ऐसे एंकल को पकड़ पाने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी महसूस होगी, बिगनर्स हो या कि फिर कोई जॉइंट्स में पेन होने की वजह से भी नहीं कर पाते हैं, तो आप सिंपली क्या किया करें कि अपने राइट पैर का जो नी है ना, घुटना है ना, यहाँ पर हाथ रख दें अपने लेफ्ट पाम को और फिर इसके बाद धीरे से अपने राइट घुटने को लेफ्ट शोल्डर की तरफ पुल करें, पुल करें, पुल करें, पुल करें और पीछे देखें ऐसे। ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि स्पाइन की ट्विस्टिंग हो, गर्दन पीछे की तरफ देखें ऐसे और फिर उसके बाद जब थोड़े दिन का काम हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए
तो आप इस तरीके से एंकल को भी पकड़ लेंगे, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, अब यही अभ्यास हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट पैर को यहीं पर रहने दें। अब लेफ्ट पैर को, हमने लेफ्ट एड़ी को राइट घुटने के पास रख दिया। राइट एड़ी देखिए कहाँ है, लेफ्ट हिप के नीचे है। एग्जैक्टली कौन सा पैर मुड़ा हुआ है, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है। तो लेफ्ट हाथ कहाँ जाएगा, बॉडी के पीछे जाएगा। राइट हाथ कहाँ जाएगा, छत की तरफ जाएगा। सांस लेंगे, हाथ को खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए मैंने पकड़ लिया अपनी एड़ी एंकल को। इस तरीके से आपने लेफ्ट एंकल को पकड़ के चेहरे को घुमा दिया पीछे की तरफ और सांस ले रही हूँ, सांस छोड़ रही हूँ और ब्रीद कर रही हूँ। अगर एंकल ना पकड़ पाए तो अपने घुटने को पकड़ लें, दूसरे शोल्डर की तरफ पुल करें और पूरा पीछे देखें ऐसे, इस तरीके से। तो इसका अभ्यास राइट साइड और लेफ्ट साइड कम से कम मिनिमम 30 सेकेंड तो होल्ड करके रखिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और इसको तीन तीन बार रिपीट कर लीजिए। आप जब इस अभ्यास को करेंगे ना, इतना करने मात्र से पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ ऐसी खींचेंगी जो शरीर में दर्द होगा ना, वो भी छूम अंतर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉस्चर्स जब आप करें ना, तो पेट पूरी तरीके से खाली हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग करें, जैसे सुबह सुबह उठें और फिर उसके बाद योगा अभ्यास कर लें, या शाम के वक्त करें जब आपका पेट खाली हो, खाना खाने के कम से कम 4 से 6 घंटे के बाद। अब हमने इन आसनों का अभ्यास कर लिया है, अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया, या इसको प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ गए हैं, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लिया है, अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ इस तरीके से जोड़ेंगे, बाकी की तीन उंगलियों को बाहर रखेंगे, ऐसे खींच के नहीं रखेंगे, ऐसे बहुत से लोग ऐसे बाहर खींच देते हैं, जोड़ के रखिए, आगे की तरफ हल्की झुकी हुई रहने दीजिए। इस तरीके से आँखों को बंद कर लें, सांस लें, सांस छोड़ें और शुरू हो जाए इसका अभ्यास। अभी मैं आपको 30 पंपिंग करके दिखा रही हूँ। मुंह को बंद किया, नाक से सिर्फ सांस को छोड़ना है। आंखों को बंद रखें, आराम से शांति से बैठे रहें। तो कपालभाति का अभ्यास आप कम से कम 3 से 5 मिनट हर रोज कर लिया करें। कपालभाति का निरंतर जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो ये फैट का मेटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। इसके बाद जब ये अभ्यास हो जाए तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास किया करें। अपने दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा इस तरीके से लगा ली ऐसे, और अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, 1 2 3 4, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर राइट से सांस लेंगे, जितनी सांस ली है उससे 2 गुनी सांस को बाहर छोड़ेंगे, सांस लेंगे लेफ्ट से, जितनी सांस ली उसे 2 गुनी सांस छोड़ेंगे अपने राइट से, एक बार और इनहेल राइट एंड एक्सहेल लेफ्ट, स्लोली धीरे 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 सांस को पूरी छोड़ दें। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, सांस लेते वक्त बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, ऐसे जोर जोर करके सांस ना लीजिए, बड़े आराम आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए, छोड़िए। शुरू शुरू में 5 मिनट कर लीजिए, जब धीरे धीरे अभ्यास अच्छा हो जाए तो 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में।
इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है ताकि आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप आसानी से इन ऑनलाइन योगा क्लास के साथ जुड़ के अपने घर पर ही रह के अपने कंफर्ट के हिसाब से योग का अभ्यास कर सकें। हर दिन आपको अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन टेक्निक, क्लींजिंग की टेक्निक सिखाई जाती हैं, साथ ही आपको रिलैक्सेशन की टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, जैसे कि उनको डायबिटीज़, थायराइड, PCOD, PCOS की समस्या, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, रात में नींद ना आने की समस्या, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, कोई भी तरीके की सेक्सुअल डिसऑर्डर, वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, इन सभी समस्याओं में उनको बड़ा ही स्वास्थ्य लाभ मिला है। अगर आप किसी कारण से इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं। आप इन कोर्सेज को परचेस करके किसी भी वक्त, किसी भी जगह, कितनी भी बार इन वीडियोस को प्ले करके अपने हिसाब से अपने अभ्यास को कर सकते हैं। ये जो क्लासेस हैं और ये कोर्स है ना, कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है और कोई भी इंसान इन प्रैक्टिसेस को कर सकता है आसानी से, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इन क्लासेस के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैं ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल भेज दी जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए, तो जल्दी से मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए या कि फिर मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में एजुकेट किया, आपको सिखाएं इन आसनों का अभ्यास, साथ ही प्राणायाम का अभ्यास, और कुछ ऐसी अमेजिंग और हेल्दी टिप्स बताई जिसकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि इन योगाभ्यासों को आपको निरंतर करना है, खुद भी करना है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी करवाना है। अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वीडियो सजेस्ट किए हैं, आप ज़रूर उनको जाके देखिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।